तो हाँ जी, क्या हालचाल? तो भाई ओप्पो रेडी है अपने फाइंड एक्स 8 सीरीज को लॉन्च करने के लिए। इसके अंदर पूरे दो स्मार्टफोन है, ओप्पो फाइंड एक्स 8 और एक है ओप्पो फाइंड एक्स 8 प्रो। ये दोनों ही स्मार्टफोन भाई साहब अपने यहां भारत में लॉन्च होने वाली डेट कंफर्म हो गया है, 21 नवंबर को ये भारत में लॉन्च कर दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले इसकी प्राइस क्या हो सकती है, ठीक, और क्या इसे परचेस करने मतलब किया जा सकता है, वेट करना चाहिए, आज हम बात करेंगे ओप्पो फाइंड एक्स 8 के बारे में यहाँ पर। और हाँ, आज के विनर कौन है वो भी नाम अनाउंस करने वाला हूँ भाई साहब, बने रहिएगा, सीट बेल्ट बांध के बैठे रहिएगा, कहीं आपका नंबर ना निकल जाए। जो भी आप वेट कर रहे हैं कि प्राइस मिलने जीतने को मौका मिले, कहीं अब आपका नंबर ना निकल आए। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके लिए फ्री होती है, थोड़ी सी बेनिफिट मिल जाती है। खैर, मैं हूं आपका दोस्त हो सनूप, आप देख रहे खुद का टेक चैनल टेक अनुप, क्योंकि आप हैं तभी तो मैं हूं। तो हाँ जी, चलिए देखते हैं कि ओप्पो फाइंड एक्स 8 कितना दमदार होने वाला, प्राइस क्या होगी। चलिए शुरुआत करते हैं बिल्ड क्वालिटी से। दोस्तों बात करें बिल्ड क्वालिटी की, तो नो डाउट ग्लास बिल्ड तो यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली है। ग्लास का बैक होगा, एल्युमिनियम फ्रेम, ग्लास फ्रंट, बट पता है फ्रंट में किस चीज की प्रोटेक्शन है? कोर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 के लेवल का प्रोटेक्शन देखने को मिलेगा, यानी कि दमदार होने वाली है। लेकिन फोन का वेट बताया जा रहा है समवेयर अराउंड 193 ग्राम थिकनेस, 7.9 mm, साथ ही आपको IP68/69 दोनों की ही आपको यहां पर देखने को मिलने वाली, यानी कि भाई साहब दमदार प्रोटेक्शन तो देखने को मिल रही है। एक जमाना था कि एक ही आईपी रेटिंग मिलती थी, यहाँ दो दो आईपी रेटिंग देखने को मिल रही है, यानी कि भाई समुद्र में फोन को लेकर चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, पानी में डुबो डुबो के इसको यूज करो। अब सवाल है कि दिखने में कैसा होने वाला है, चलिए बात करते हैं डिजाइन की। दोस्तों डिजाइन की बात करें, डिजाइन जबरदस्त है, बैक साइड देख सकते हैं, टॉप पर आपको यहाँ पर ट्रिपल कैमरा की हाउसिंग मिलती है एलईडी फ्लैश के साथ, साथ ही हेजल ब्लेड की ब्रांडिंग सर्कुलर शेप में आपको मिलता है यहाँ पर। नीचे ओप्पो की ब्रांडिंग फ्रंट साइड की बात करें, सेंटर पंच होल के साथ इसमें आपको फ्लैट डिस्प्ले देखने को मिलेगा, 91% के आसपास बोल्ट रेशियो, वेजस चीन एकदम पतली सी है। याद होगा एक टाइम यही ओप्पो ने जुलाई के अगस्त के टाइम पे, याद नहीं पड़ रही है, जो कि आईफोन से टक्कर कर रही थी ये भाई साहब, तो मतलब वेजस एकदम पतली सोने वाली। कलर्स की बात करें तो यहाँ मिलेगा ब्लैक, व्हाइट, ब्लू, पिंक। पिंक साइड आपको यहां भारत देखने को ना मिले, ये तीन ही का देखने को मिलेगा। लेकिन सवाल है कि कंटेंट कंज्यूम के मामले में डिस्प्ले कैसी होगी, चलिए बात करते हैं डिस्प्ले की। दोस्तों डिस्प्ले की बात करें, डिस्प्ले जबरदस्त है, टॉप नॉच है, कंटेंट कंज्यूम के मामले में मजा आने वाला। यहां मिलेगा 6.59 इंच की 1.5K 10 bits का टियानवा का प्रो HDR AMOLED पैनल, 2760x1256 पिक्सल की स्क्रीन रेजोल्यूशन, 20:1 का स्पेक रेशियो, 460 ppi की पिक्सल डेंसिटी, 4500 nits की पिक ब्राइटनेस, 120Hz की रिफ्रेश रेट, 240Hz की टच सैम्पलिंग रेट, HDR 10+ वाइड बैंड L1 डॉल्बी विजन सपोर्ट शानदार है, टियानवा का है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्रो HDR है, 1.5K 10 bits का HDR 10+ वाइड बैंड L1 डॉल्बी विजन का सपोर्ट, यानी कि आप Amazon YouTube पर HDR कंटेंट इतना रंग दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पिक्सल डेंसिटी भी आपकी अच्छी यहां पर है, यानी कि आप क्रिस्पी क्लियर कंटेंट देख सकते हैं। ब्राइटनेस शानदार, इंडोर आउटडोर विजिबिलिटी में कोई दिक्कत नहीं है यहां पर। रिफ्रेश रेट और टच सैंपलिंग कॉम्बिनेशन शानदार, सोशल मीडिया पेज करने गेमिंग करने मजा आने वाला है। बट सवाल है कि भाई साहब गेमिंग की बात आ रही है, तो क्या इस स्मार्टफोन में गेमिंग की जा सकती है? दिमाग कौन सा यूज किया गया, प्रोसेसर कौन सा यूज किया गया है, चलिए बात करते हैं परफॉर्मेंस। दोस्तों परफॉर्मेंस की बात करें तो इस डिवाइस को शक्ति देगी मीडिया टेक के तरफ से डायमेंसिटी 9400 प्रोसेसर, दमदार प्रोसेसर भाई साहब, 3 nanometer के फैब्रिकेशन बनाया गया, एनर्जी इफिशियंसी टॉप नॉच होती है, हीटिंग का चांसेस काफी कम देखने को मिला है, देखने को नहीं है मिला है, प्लस वेपर चैम्बर कूलिंग का सपोर्ट देखने को मिलेगा। ओप्पो की तरफ से यहाँ पर थर्मल मैनेजमेंट का सपोर्ट शानदार दिया गया है, हीट भी चांसेस बहुत ही कम होने वाले, कितना पावरफुल है चलिए नजर आते हैं इसके रॉ से। तो यहाँ मिलता है वन कोर्टेक्स X925 जो 3.63 GHz क्लॉक किया गया, 3 कोर्टेक्स X4 जो 3.3 GHz क्लॉक किया गया है, वही 4 कोर्टेक्स A72 जो 2.4 GHz क्लॉक किया गया है, वही जबरदस्त है, मतलब टॉप नॉच होने वाली है यहाँ पर, जबरदस्त है यहाँ पर, मतलब परफॉर्मेंस इतना शानदार है कुछ शिकायत ही नहीं आएगी। 90 FPS तक गेमिंग कर सकते हैं। यहाँ मिलता है आर माली G925 इमोर्टलिस MP12 GB, साथ ही LPDDR5X रैम, UFS 4.0 वाला स्टोरेज देखने को मिल जाती है, 10 5G बैंड के साथ। पता है इसकी कितनी है, 26,47,000 तक देखने को मिलती है, 27 टच कर जाती है कभी कभी, यानी कि भाई साहब रीड राइट आपको अच्छी मिलेगी, टॉप नॉच परफॉर्मेंस से कोई शिकायत नहीं आएगी। लेकिन सवाल है, सब कुछ तो अच्छा है, डिजाइन डिस्प्ले परफॉर्मेंस, तो क्या इमेज कैप्चर करेंगे, वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, सेल्फी लेंगे, क्वालिटी अच्छी होगी, चलिए बात करते हैं कैमरा की।
दोस्तों कैमरा की बात करें तो कैमरा जबरदस्त है भाई साहब, तीनों कैमरा काम के हैं। पहला 50 मेगापिक्सल मेन सेंसर OIS सपोर्ट सोनी लाइक 700 सेंसर, वहीं 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस सैमसंग का J5 सेंसर, वहीं 50 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस OIS सपोर्ट सोनी लाइक 600 सेंसर, जहां पर 3x ऑप्टिकल जूम सपोर्ट करती है। लेकिन 4K 60fps 1080 240 रिकॉर्ड करती है, 8K का सपोर्ट यहां देखने को नहीं मिल रहा है। यहां तक देना चाहिए था, जबकि प्रोसेसर सपोर्ट करती है, पता नहीं ओप्पो क्या सोच रही है। बट आपके खूबसूरत चेहरे और शरीर सवाने के लिए 32 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा प्रोवाइड किया है, जहां सोनी IMX615 सेंसर देखो मिलेगा। 4K 1080 दोनों ही 60 रिकॉर्ड कर सकते हैं। 8K का सपोर्ट देना चाहिए था रियर में, फिलहाल देखा जाए टॉप नॉच कैमरा क्वालिटी होने वाली है। लेकिन सवाल है कि इस स्मार्टफोन को चलने के कितने में इसकी बैटरी मिलेगी, चलिए बात करते हैं बैटरी। दोस्तों बैटरी की बात करें तो इस डिवाइस को जान फूकने के लिए मिलेगा पूरे 5630 mAh की बैटरी, 80 वाट की चार्जिंग सपोर्ट, 50 वाट का वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिलने वाला। चार्जर बॉक्स में डेफिनेटली मिलेगा बैकअप, शानदार निकाल के देगा, डिपेंड करता है ऊपर कैसे यूज करेंगे। अब बात करें इसके सिक्योरिटी प्राइवेसी, नो डाउट अंडर डिस्क फिंगरप्रिंट सेंसर फेस अनलॉक ऑप्शन डेफिनेटली मिलेगा, सेंसर में सेंसर मिलेंगे, एक्सेलेरोमीटर, जायरोस्कोप, प्रॉक्सिमिटी फोन, दिखाना चटर पुटर, NFC सारे मिलने वाले हैं, USB Type-C पोर्ट, डुअल स्टीरियो स्पीकर मिलेगा। बट अनफॉर्चुनेटली ना कोई 3.5 mm ऑडियो जैक, ना ही कोई कार स्लॉट देखने को मिलने वाला। लेकिन अब बात करें इसके सॉफ्टवेयर की। दोस्तों सॉफ्टवेयर की बात करें तो लेटेस्ट एंड्रॉइड 15 के ऊपर आउट ऑफ डी बहुत सारी कलर वाइज 15 मिलेगा पूरे, बताया जा रहा है 5 साल तक अपडेट देखने को मिलेंगे, यानी कि जब तक फोन यूज करें तब तक आपको अपडेट सब मिलते रहेंगे। अब बात करें इसके वेरिएंट्स की। दोस्तों वेरिएंट्स की बात करें, मल्टीपल वेरिएंट्स यहां पर शो हो रहे हैं। पहला है 12+256, 16+256, 16+512, 16+1TB। भाई जिसकी जैसी रिक्वायरमेंट सिलेक्शन। लेकिन सवाल है कि आज के विनर कौन है और इस डिवाइस की प्राइस क्या होगी अपने भारत में, सब बताने वाले हैं। सीट बेल्ट बांध करिएगा, अपना टारगेट है केवल 200 लाइक का टारगेट है, पहुंचाइए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड और फैमिली और चैनल पर वहां है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कीजिए, आपके लिए तो फ्री होती है, मुझे थोड़ी सी बेनिफिट मिल जाती है। खैर चलिए बात करते हैं प्राइस। दोस्तों प्राइस की बात करें तो भाई ओप्पो है, इसकी प्राइस जो प्रिडिक्शन लगाई गई है somewhere around 65,000 के अंदर ये देखने को मिलने वाला है। अब ये तो prediction है, बाकी आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि आपके साथ इसकी प्राइस क्या हो सकती है और कितना एक्साइटेड है ओप्पो X8 को लेकर, मतलब ओप्पो फाइंड X8 को लेकर, बताएं कमेंट करके, क्योंकि कमेंट करेंगे यहां पर अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हैं, मुझे भी अच्छा लगता है, जानने को मिलता है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, और नए व्यूवर आते हैं उनको भी हेल्प मिल जाता है, और यहीं से आप पैसे कमा सकते हैं इन भाई की तरह। क्योंकि देखिए हम आज आप जा रहा हूं करने के लिए रैंडमली विनर अनाउंस, तो आज के जो विनर है 1 मिनट यहां पर रैंडमली विनर सेलेक्ट हो रहे हैं, और ये नाम आ जाता नीचे देख सकते हैं मिस्टर गेमिंग DXD। भाई आप जीतते हैं पूरे 500 रुपीज, जी हाँ कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर, क्या नाम है, गेमिंग DXD। तो भाई आपका ओरिजिनल नेम क्या है वो बता देना कमेंट करके, आप देख रहे होंगे, बस ये थोड़ा सा जो प्रोसीजर है ना वो आपको फॉलो करना होगा, कुछ लोग फॉलो नहीं करते हैं। तो भाई देखिए मेरा भी एक टर्म एंड कंडीशन है, मैं भी वेरीफाई करना चाहता हूँ कहीं ये फ्रॉड ना हो, क्योंकि मैं फ्रॉड नहीं करता भाई, मैं दूंगा, कई लोगों को दे भी चुका हूँ। लेकिन आपको क्या करना है, आधार कार्ड की कॉपी जो ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है इसी में आपको सेंड करनी है फ्रंट और बैक, ताकि हम वेरीफाई कर सकें कि ये आप ही हैं कि नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ कि अपना ओरिजिनल नेम लिख के दीजिएगा, और किस में आप चाहते हैं ये अमाउंट लेना अपना UPI आईडी जरूर मेंशन कर दीजिएगा उसी ईमेल आईडी पे, और विद इन 24 आवर के अंदर आपको पैसे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। वेरीफाई करने के बाद आपको एक मेल भी मिल जाएगा कि हाँ आपको पैसे स्क्रीनशॉट के साथ या दे दिया गया है। तो ये थोड़ा सा प्रोसीजर है, फॉलो जरूर कीजिएगा, क्योंकि तभी ये चीज़ वेरीफाई कर सकते हैं। क्योंकि आप लोग जाते हैं जो कोई नया सिम भी लेते हैं तो वहाँ पर आप आधार कार्ड की कॉपी देते ही है ना, तो यहाँ भी देना पड़ेगा भाई ये फ्रॉड नहीं है। क्योंकि मैं भी तो कह सकता हूँ कि आप लोग तो फ्रॉड नहीं कर रहे हो कि दूसरे नाम से पैसे ले लो, जिसको मिलना है उसको नहीं मिल रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ अपना ओरिजिनल नेम के साथ जरूर मेंशन करना, और आप भी जीत सकते हैं। आप सभी लोग जिसका नाम नहीं आया है मायूस मत होइए भाई साहब, आ जाएगा। कमेंट शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, अगला नंबर आपका जरूर आएगा। फिर मिलता है अगले वीडियो में नए टॉपिक साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। देखो वो आ गया।